मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सनोडिया, न्यू दृष्टि अकेडमी सीनी आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहिए, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व थायराइड दिवस हमारे पर अभी कब मनाया गया है? 25 मई को मनाया गया है। ध्यान देना दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर ये मनाया क्यों जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए यह एक तरह की क्या है दोस्तों, ग्रंथि है। ये गले के बिल्कुल सामने वाले भाग में होती है। अब हम देखते हैं इसकी थीम पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसकी थीम क्या होती है? तो इसकी थीम है थायराइड इशू मदर एंड बेबी। क्या है दोस्तों इसकी थीम? थायराइड इशू मदर एंड बेबी है। क्लियर है? चलिए, विश्व थायराइड दिवस हमारे यहाँ पर पहली बार कब मनाया गया, क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर पहली बार यह दिवस 2009 में मनाया गया है। कब मनाया गया है दोस्तों? 2009 में मनाया गया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारे यहाँ पर फेसबुक के साथ समझौता किया है। अब ध्यान दें दोस्तों, फेसबुक के साथ समझौता किया है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सैमसंग के बारे में टर्म आया है और एक फेसबुक का टर्म आया है, तो सैमसंग के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, सैमसंग की स्थापना हमारे यहाँ पर कैसे हुई ये जानना जरूरी है। हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा दक्षिण कोरिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या, सैमसंग नदी। उसी सैमसंग नदी के नाम पर क्या पड़ा हमारे यहाँ पर, सैमसंग पड़ा है। और ये कहां की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। दक्षिण कोरिया में ये कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। सैमसंग कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1938 में हुई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारे यहां पर दक्षिण कोरिया का नाम आया है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को कौन अलग करता है? तो 38 भी समांतर रेखा अलग करती है। क्लियर हुआ? चलिए, एक और टर्म आया था फेसबुक। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक की स्थापना हमारे यहाँ पर 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और इसके हमारे पर मुखिया कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग हैं। क्लियर हुआ? चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। अब ये क्यों की है हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये हमारे पर पहले तो ये जानना होगा कि ओपन स्काई संधि है क्या। तो ओपन स्काई संधि में कितने देश शामिल हैं? तो 35 देश का ये क्या है, एक समूह है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक देश दूसरे देश को निगरानी रख सकता है, एक देश दूसरे देश की निगरानी रख सकता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, एक देश दूसरे देश में निगरानी तो रखेगा, लेकिन कैसे? बिना हथियार के। कैसे दोस्तों? बिना हथियार के रखेगा। क्लियर हुआ? चलिए, अमेरिका का नाम आया तो मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। क्लियर है दोस्तों? इसका की करेंसी क्या है? डॉलर है। और यहां पर के मुखिया आपको पता होगा प्रेसिडेंट कौन है, तो यहां के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप है। क्लियर हुआ? चलिए, हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच हमारे यहां पर कितने आमद बंदरगाह है, पोर्ट ऑफ कॉल से जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी वर्तमान में कितने आमद बंदरगाह से जुड़े हैं? 5। लेकिन आपके पास टर्म आया है आमद बंदरगाह है। ये आमद बंदरगाह होता क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये आमद बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जो दो देश के बीच हमारे यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, अर्थात दोनों देश इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी किसके किसके बीच हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो अभी हम लोग कौन कौन यूज करेगा इसको? भारत और बांग्लादेश इसको यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अभी आपको मैंने एक बार वीडियो में बताया था, भारत और बांग्लादेश के बीच हमारे यहाँ पर एक क्या चल रहा है, तो एक संप्रति अभ्यास चल रहा है। तो संप्रति एक्सरसाइज आपने देखा होगा, एक्सरसाइज चल रही है, तो वो हमारे यहाँ पर कहाँ किसके किसके बीच
चलती है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, क्लियर हुआ। चलिए अभी हमारे 5 आमद बंदरगाह नए जोड़े गए हैं, तो पुराने कितने थे, तो पुराने 6 थे दोस्तों, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 11 हो गए हैं, क्लियर हुआ है। चलिए बांग्लादेश का नाम आया तो मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका है, आपने देखा होगा। यहाँ की राजधानी, यहाँ की करेंसी क्या है, टका है। और यहाँ के प्रेसिडेंट तो कौन है, अब्दुल्ला हामिद जी हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना जी हैं, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष कौन बना है, कौन किसे बनाया गया है, वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष जीन फ्रैंकोइस वॉन वॉक्समेकर नियुक्त किए गए हैं, कौन किए गए हैं दोस्तों, जीन फ्रैंकोइस वॉन वॉक्समेकर को नियुक्त किया गया है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आया है वोडाफोन का नाम, तो वोडाफोन के बारे में बता देता हूँ। तो वोडाफोन की स्थापना कब हुई थी, 16 सितंबर 1991, है ना, तो कब, 16 सितंबर, है ना, 1991 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में है, कहाँ पर है दोस्तों, लंदन में है। यहाँ की सीईओ कौन है, तो सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो सीईओ कौन है, निक रोड है, कौन है दोस्तों, निक रोड है, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की है, क्या की है दोस्तों, सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की है, किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने, कितनी की है, ये क्या है इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपकी कितनी की है, 44.2 TBPS, कितनी की है दोस्तों, TBPS, है ना, तो 44.2 TBPS दर्ज की है। अब ध्यान देना, यहाँ पर आया है ऑस्ट्रेलिया का नाम, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। यहाँ आपने देखा होगा कैनबरा में सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर जो नगर है वो कौन सा है, सिडनी है, कौन सा दोस्तों, सिडनी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता होगा स्कॉट मॉरिसन है, कौन है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसन है, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभ्यास झा को कहाँ का, वर्ल्ड बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्र दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है, क्या है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर आभास झा को वर्ल्ड बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्र को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का टर्म आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक का टर्म आया है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। इसके CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो अंशुला कांत हैं। और इसके हमारे यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास हैं, कौन है दोस्तों, हमारे पर कौन है, डेविड मालपास हैं, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CENS ने आरामदायक फेस मॉक्स विकसित कर दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम मास्क लगाते हैं तो हमारे यहाँ पर नाक में टाइट होता है, हमारे बोलने में दिक्कत जाती है, हमारे यहाँ पर आप यदि चश्मा लगाते हैं तो चश्मा में हमारे यहाँ पर जलवाष्प आ जाती है, तो हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, अर्थात फॉग हमारे यहाँ पर जमने लगता है ग्लास में। इसीलिए हमारे यहाँ पर दोस्तों अनेक समस्याओं का समाधान, अनेक समस्याएं हमारे पर होती हैं, इन्हीं समस्या का समाधान करने के लिए हमारे यहाँ पर CENS ने क्या कर दिया है, एक हमारे यहाँ पर आरामदायक फेस मास्क बनाया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फेस मास्क बनाया है तो ये मास्क में हमारे पर जो बना, इसका CENS का फुल फॉर्म क्या होता है, सुनिएगा, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मटेरियल साइंस, क्या है दोस्तों, सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मटेरियल साइंस है, क्लियर है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, UN में कहां पर दोस्तों, UN में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में VTS तिरुपति, है ना, आपने देखा होगा त्रिमूर्ति ने पदभार संभाला है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पदभार जो ग्रहण किया है वो किनने किया है, हमारे यहाँ पर TS त्रिमूर्ति ने किया है। अब ध्यान दीजिएगा, UN का नाम आया है तो यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई ये देखते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। आपको पता होगा कि UNO दिवस कब मनाया जाता है, हमारे यहाँ पर 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, और इसके हमारे यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल का आपको तो नाम पता ही होगा,
एंटोनियो गुटेरस जी हैं। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस जी हैं। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मणिपुर, मणिपुर खुडोल पहल की, मणिपुर ने क्या किया है? खुडोल पहल को कोविड 19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। कितनी पहलों में? 10 पहलों में शामिल किया है। अब ध्यान देना दोस्तों, मणिपुर ने किया है तो आपको मैं बताता हूं मणिपुर के बारे में। पहले तो ये जानिए कि खुडोल क्या होता है। खुडोल के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें क्या करा जाएगा? LGBT की मदद की जाएगी। अभी LGBT है क्या, ये सुनिएगा। LGBT का मतलब होता है, L का मतलब होता है लिस्बियन, G का मतलब होता है गे, हमारे यहाँ पर B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे यहाँ पर इनकी क्या की जाएगी? मदद की जाएगी। अब ध्यान देना, ये हमारे यहाँ पर ये LGBT को चलाता कौन है? तो एक NGO है, कौन सा? YA या और ALL ऑल, या ऑल एक NGO है, इसके द्वारा ये चलाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम देखते हैं, मणिपुर का नाम आया तो मणिपुर के बारे में आपको बताना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप मणिपुर के बारे में, कि यहाँ पर कि कौन आप यहाँ के मुझे बताएं, गवर्नर बताइएगा, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों, तो इम्फाल है। और यहाँ के CM कौन है? तो वीरेंद्र सिंह है। गवर्नर आप मुझे क्या करें, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। दोस्तों मिलेंगे आज के लिए, इतना ही, गुड नाइट।